आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीबीआई मसले पर केंद्र ने कहा मामला सीवीसी के पास, विपक्ष हुआ आक्रामक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार, पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। पटाखों पर सुप्रीम फैसले से बीजेपी नेता नाराज, कहा धार्मिक मामलों में ना पड़े कोर्ट। साध्वी प्रियंका ने ज्वाइन की बीजेपी, 13 में थी कांग्रेस की स्टार प्रचारक। और नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, नक्सली सामान छोड़कर भागे। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अरुण जेटली ने सीबीआई विवाद पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के पास पूरा मामला है, जांच पूरी होने तक दोनों अधिकारी छुट्टी पर रहेंगे। जेटली ने कहा कि निष्पक्ष एसआईटी की जांच की निगरानी सीबीसी करेगी। वहीं इस मसले पर विपक्ष के तेवर तीखे हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीबीसी ने मंगलवार की शाम को सिफारिश दी है, जिसके आधार पर सीबीआई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अधिकारियों को मामले की जांच होने तक छुट्टी पर भेज दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह मामला दुर्भाग्यपूर्ण और विचित्र है। आरोप लगाने वाले अधिकारी पर भी आरोप है। विपक्ष ने सीबीआई पर कार्रवाई को राफेल विमान के सौदे से भी जोड़ा। इस पर जेटली ने कहा कि विपक्ष के आरोप बकवास हैं। सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है, सेक्शन 4(1) में पावर ऑफ सुप्रिंटेंडेंस इन रिलेशन टू इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस। तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस के संबंध में जो सुप्रिंटेंडेंस का अधिकार है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का है। द सीबीसी मेट येस्टरडे, दे मेड एन रिकमेंडेशन इन द इवनिंग येस्टरडे। सो इफ द गवर्नमेंट इज अ फास्ट एक्टिंग गवर्नमेंट, वी कॉल इट वाई द हरी, एंड इफ इट्स अ स्लो एक्टिंग गवर्नमेंट, वी से पॉलिसी पैरालिसिस। दे विल सिट आउट बाय गोइंग ऑन लीव फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, इट्स एन इंटरिम मेजर। एंड एन एसआईटी नॉट फंक्शनिंग अंडर आइदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स विल इन्वेस्टिगेट द केस। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को उनके पद से हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी टिप्पणी की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वर्मा को उनके पद से हटाने को राफेल से जोड़ते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बुधवार को राजस्थान के हड़ौती में एक रैली में कहा कि कल रात चौकीदार ने सीबीआई निदेशक को हटा दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक ने राफेल सौदे पर सवाल उठाए थे, इसीलिए उनको हटा दिया गया। रात को पता है चौकीदार ने क्या किया? सीबीआई का डायरेक्टर राफेल के कागज मंगाता है। भाई और बहनों, राफेल की कहानी तो सुनी होगी आपने। चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार भारतीय एजेंसियों को ध्वस्त कर रही है और उन्होंने आईसीयू में धकेल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। सियोल पीस प्राइज पाने वाले पीएम मोदी 14वें व्यक्ति और पहले भारतीय होंगे। अवार्ड के साथ मोदी को $2,00,000 की राशि उपहार स्वरूप दी जाएगी। सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन के चेयरमैन ने इसकी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मान भी दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों को संयुक्त रूप से चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया था। पीएम मोदी को सियोल पीस प्राइज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक आर्थिक प्रगति और भारत के लोगों के मानवीय विकास को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने पर दिया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को सराहा है। अमीरों और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए मोदीनॉमिक्स को भी श्रेय दिया गया। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि धार्मिक मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता ने तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मानने से ही इनकार कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि इस तरह के निर्देशों का पालन प्रशासन भी नहीं करा पाता। मध्यरात्रि में पूजा होती है और पूजन के बाद ही पटाखे फोड़ने की परंपरा भी है। बीजेपी के मुखर नेता महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा धार्मिक मामलों में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उज्जैन से सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय ने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि दिवाली पर पटाखों को लेकर किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। चिंतामणि मालवीय ने इसे लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट भी लिखी है। अपने फेसबुक पोस्ट में मालवीय ने लिखा, अपनी दिवाली अपने परंपरागत तरीके से मनाऊंगा और रात में लक्ष्मी पूजा के बाद 10 बजे के बाद ही पटाखे जलाऊंगा। हमारी हिंदू परंपरा में किसी भी दखलंदाजी में हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी धार्मिक परंपराओं के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं खुशी खुशी जेल भी जाऊंगा। छत्तीसगढ़ की चित्रकोट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लच्छू राम कश्यप के बेटे चंद्रभान कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रभान का पुलिस से जमकर विवाद हुआ। उनके पास से चुनावी सामग्री और उनके वाहन को भी जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि चित्रकोट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप के बेटे चंद्रभान कश्यप अपने पिता के साथ नामांकन भरकर लौट रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने वाहन चेकिंग के लिए चंद्रभान कश्यप के वाहन को रुकवाया। ये बात नेताजी के बेटे को नागवारा गुजरी और वे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर बरस पड़े। इसके बाद जब पुलिस ने इनके वाहन की चेकिंग की तो वाहन में भारी मात्रा में चुनाव सामग्री बरामद हुई और फिर तहसीलदार के निर्देश पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पूर्व विधायक व वर्तमान भाजपा प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप के बेटे समेत 3 अन्य बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। चुनाव सामग्री और इनके वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। चंद्रवाहन ने बताया कि उन्होंने किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। नहीं भैया, क्या है कि फार्म भरने के बाद हमारे कार्यकर्ता जब यहाँ रैली पे झंडा लेकर कुछ जानते हो, वो भी गाड़ी में रखे नहीं थे, अपने जेब में रखे थे। यहाँ से जो रैली लेके जा रहे थे तो उसके बाद वहाँ पर चेकिंग चल रहा था, चेकिंग में उन लोगों को चेक किया तो गाड़ी अंदर थी, सिर्फ जा रहे थे और ये सब निराधार लगाए। पुलिस वाले के एक वो है वो लगा दिए थे, लेकिन क्या करें, हम तो सिर्फ अपने कार्यकर्ता के साथ गाड़ी क्यों रोके भैया, बोल के हम सिर्फ इतनी बोले बस भैया, इतना के 2-4 झंडा अगर ले जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अपने कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा कि भाजपा इस तरह हमेशा आचार संहिता का उल्लंघन करती है, चुनाव आयोग को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। काम करना चाहिए और वो कोई भी हो, किसी भी दल से हो, कार्रवाई होनी चाहिए। और यदि कैंडिडेट के परिवार के लोग इस तरह से गिरफ्तार हो रहे हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसमें कार्रवाई। कांग्रेस चाहेगी कि चुनाव आयोग और भारत निर्वाचन आयोग इस बात का संज्ञान दे और कानून के हिसाब से कार्रवाई। क्या है पूरा मामला, हम बात करते हैं अपने विशेष संवाददाता संजीव पचौरी से। संजीव जी, भाजपा प्रत्याशी के बेटे के साथ कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दूंगा आपको, ये जो लच्छू कश्यप के सुपुत्र है ये थोड़ा सा उजड्ड किस्म के हैं, जनपद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं
दुर्व्यवहार करना उनके नेचर में शामिल है। और आज वैसे ही हुआ है कि एक नामांकन भरने इनके पिताजी गए हुए थे, वहां से लौट रहे थे, पुलिस एक रूटीन चेकिंग करती है, सभी गाड़ियों में करती है, इनकी गाड़ी की भी चेकिंग करना चाह रही थी पुलिस, और इन्होंने पुलिस साथ बदतमीजी की है और हुज्जत करने की कोशिश की है और अंततः पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया इनको। जी बिल्कुल, बेटे की गलती का खामियाजा पिता को भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन आदिवासी इलाका है और इन सब चीजों की कोई ज्यादा मान्यता नहीं होती यहाँ पे, इसलिए ऐसा लगता नहीं कि कुछ मतदान पे या किसी पे असर पड़ेगा, लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की इज्जत पे जरूर आ चाहिए इस बात को लेकर। जी बिल्कुल, शुक्रिया संजीव। चुनावी उथल पुथल के दौर में कथावाचक साध्वी प्रियंका भारती बीजेपी में शामिल हो गई हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही हैं प्रियंका भारती। प्रियंका भारती ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। भोपाल में बीजेपी हेडक्वार्टर में साध्वी प्रियंका भारती अपने लाव लश्कर के साथ पहुंची और बीजेपी में आस्था जताते हुए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कथावाचक साध्वी प्रियंका भारती अपने बोलने की तेज तर्रार शैली की वजह से चर्चा में रहती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने साध्वी प्रियंका भारती को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। साध्वी प्रियंका ने खुद को सुबह का भूला बताया और कहा, अब मैं अपनी गलती को ठीक कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही, कहते हैं ना कि जैसे कि अगर सुबह का भूला हुआ व्यक्ति अगर श्याम इधर इधर अगर वापस आ जाए तो वो ठीक है, मेरी कुछ गलतियां रही कि मैं कुछ भूल बस कांग्रेस में गई, पर जैसे ही मुझे सत्यता का एहसास हुआ कि नहीं हकीकत में भारतीय जनता पार्टी क्या है, मैंने वैसे तुरंत भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया। फिलहाल समय एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आनंद जी की चर्चा हमेशा इसलिए होती है कि सावधानी कोचिंग के संचालक हैं, नए विद्यार्थियों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अभी आनंद की चर्चा है नशे के खिलाफ एक अभियान को लेकर। क्या है अभियान पहले तो ये बताइए। हमेशा जहां भी आनंद सावधानी का नाम आता है तो सब लोग जो आपने बोला वैसे ही मुझे जानते हैं कि एक वो व्यक्ति जो लोगों को रोजगार तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ समय से मेरा नाम बदनाम भी हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि नेतागिरी का भूत तो नहीं चढ़ा। कि मैं आपके चैनल पे आज पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पे बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी आनंद सावधानी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ेगा न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा। ड्रग मिलाए जाते हैं हुक्के में और पिलाए जाते हैं, ये सच है? ये 100% सच है। हुक्के की आड़ में लड़खड़ाता यौवन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षाविद आनंद सावधानी से, जिन्होंने एक अभियान चलाया है हुक्के के खिलाफ। मुझे नशे से आपत्ति नहीं है, नशा जो करता है वो तो खराब है ही चीज, लेकिन ये हुक्का का जो नशा है वो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। आप देखिए हुक्के में कोई 40 साल का 50 साल का व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, 14 साल से 18 साल या 14 15 16 17 साल के बच्चे मिलते हैं। बेबाक बात सिर्फ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बैरागढ़ में बीजेपी ने चाय चौपाल का आयोजन किया, जहां लोगों ने बीजेपी नेताओं को इलाके की समस्याओं से रूबरू करवाया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने संत हिरदाराम नगर में चाय चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में चाय की चौपाल लगाई गई। यहां भाजपा के स्थानीय नेताओं और आम लोगों ने संत नगर की विभिन्न समस्याओं को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के सामने रखा। बीआरटीएस कॉरिडोर सिंधी विस्थापितों को पट्टे मर्जर की समस्या से जूझ रहे लोगों ने कहा, हर बार आश्वासन देकर टाला जाता है, जबकि यह संत नगर भाजपा का गढ़ है। 4 दशकों से भाजपा के विधायक हैं, अभी तक सिंधी समाज को उनका हक नहीं मिला। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने समाज को आश्वासन दिलवाया कि जल्द से जल्द मर्जर से मुक्ति मिल जाएगी। चाय चौपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्ण मोहन सोनी, डॉक्टर धर्मेंद्र, किशन अछलानी,
नरेंद्र लालवानी, हीरो ज्ञानचंदानी, राम बंसल सहित तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब विधायक रामेश्वर शर्मा के टिकट के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि मुझे मेरे टिकट के बारे में ही नहीं मालूम तो इनके टिकट के बारे में क्या बताऊं। मैंने तो कई बार वहाँ पर बहुत हंगामा किया इसी बात को लेकर, उस समस्या जब से हम लड़ रहे थे उस समस्या के लिए, मतलब ये बात बता रहा हूँ मैं 90 की, उसको हमारी मोदी जी की सरकार ने अभी किया, हो जाएगा जी, अब चिंता मत करो। भोपाल का हबीबगंज स्टेशन इस समय बदहाली के दौर से गुजर रहा है। स्टेशन पर निर्माण के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। स्टेशन पर ना स्वास्थ्य सेवाएं हैं और ना ही बीमार मरीजों को चिकित्सक मिल पा रहे हैं। रेल विभाग में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर फर्स्ट एड की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। बात कर रहे हैं भोपाल में बन रहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज की। स्टेशन के रिनोवेशन के चलते लोगों में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एस्केलेटर की सुविधा नहीं है और रिनोवेशन के चलते बुजुर्ग यात्रियों और बीमार यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों रात 9 बजे की बात है जब हबीबगंज रेलवे स्टेशन में एक युवक को लो शुगर की परेशानी हुई, जिसके चलते युवक स्टेशन की ऊंची सीढ़ियों को चढ़ते हुए गिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि स्टेशन में ना तो फर्स्ट एड की व्यवस्था है और ना ही डॉक्टर की। जैसे तैसे परिजनों और यात्रियों ने युवक को बिस्किट और पानी की व्यवस्था की और उस यात्री की जान बचाई। जब उस वक्त प्रबंधन से इस विषय पर बात की गई तो प्रबंधन ने कहा कि डॉक्टर की सुविधा नहीं है। हालांकि प्रबंधन ने फर्स्ट एड होने की बात कही, पर सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या रेल प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है? क्या है हबीबगंज रेलवे स्टेशन के हालात, इस पर बात करेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। सत्यम, रेलवे स्टेशन पर इस वक्त रिनोवेशन का काम चल रहा है, ऐसे में मरीजों को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है। जी, मैं बताना चाहूंगा मामला हबीबगंज रेलवे स्टेशन का है। भोपाल हबीबगंज रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा। जहां वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद चल रही, वहीं देखा जाए तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन में डॉक्टर की सुविधा नहीं है, प्राथमिक उपचार की सुविधा नहीं है, फर्स्ट एड की सुविधा नहीं है। बात हाल ही में एक व्यक्ति जो जिसका लो ब्लड प्रेशर था, वो रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पड़ा हुआ था, वो सीढ़ियों में चल रहा था और लो बीपी के और लो ब्लड प्रेशर के चलते वो गिर पड़ा, जिसको परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उसको उठाकर लाया गया। एक वैद्य संजय ने उनकी पंपिंग करके और बिस्किट और पानी की व्यवस्था करके जान बचाई। जब हमने प्रबंधन से इसके बारे में जानकारी ली तो पहले तो प्रबंधन को वहां देखा ही नहीं गया। जब हमने उप प्रबंधक से इसकी जानकारी पाई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बशर्ते उन्होंने ये कहा कि फर्स्ट एड की सुविधा है। जब परिजनों से बात की तो परिजनों का कहना था कि प्रबंधन ने यह भी नहीं बताया कि फर्स्ट एड अवेलेबल है। तो जैसे तैसे करके जो परिजन और जो वहाँ के यात्री थे उन्होंने उस व्यक्ति की जान बचाई। सत्यम, प्राइवेट संस्था को रिनोवेशन का काम दिया गया है, पार्किंग के नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं, ऐसे में वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, और गनीमत है कि उस वक्त डॉक्टर संजय वहाँ पर थे और उन्होंने उस युवक की जान बचा ली। जी, मैं बताना चाहूंगा पार्किंग के नाम पर जो ठेकेदार है, जो ठेकेदार गुंडे पाल के रखे है, उन्होंने रात में जो भी जो पैसेंजर जाते हैं उनको परेशान किया जाता है, आए दिन शराब पीने की घटना ट्रेन में आती है। यही हाल देखा जाए तो रेवांचल में 3-4 दिन पहले की घटना है, परिजन अपने पैसेंजर जो थे वो आ रहे थे और 2-4 जो व्यक्ति होते हैं वो शराब अंदर ही पी रहे थे, क्योंकि पैसेंजर परेशान होते हैं इसका अंदाजा भी रेलवे को नहीं। रेलवे भी इंतजार करता रहता है कि कोई घटना हो उसके बाद ही हम कदम उठाएंगे। तो शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार होते हैं, पुलिस भी देखने नहीं आती है कि ट्रेन में क्या हो रहा है, अनदेखी करके चलती है, जिसके चलते जो फैमिली लेकर जाते हैं रेलवे के हालात इस वक्त बहुत खराब है। कितना अभी प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, कितना भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात हो रही हो, लेकिन हालात वही के वही है। शुक्रिया सत्यम। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हो गया। इस दौरान जमकर फायरिंग हुई और नक्सली अपना सामान छोड़कर जंगल में भाग गए।
नारायणपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान के लिए लगातार सर्चिंग में लगी पुलिस फोर्स का सामना लगभग 100 की संख्या में मौजूद नक्सलियों से हो गया। 10 मिनट हुई पुलिस फायरिंग में पुलिस जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। भागते समय नक्सली अपना सामान साथ लेकर नहीं जा पाए। फोर्स को बड़ी मात्रा में बम बनाने का सामान, प्रेशर कुकर, बम और 2 राइफल मुठभेड़ स्थल से मिली। चुनाव के दौरान उत्पात मचाने की तैयारी में नक्सली बैठकें ले रहे हैं। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टेकमे 2018 प्रोग्राम के तहत भोपाल के न्यू मार्केट में नुक्कड़ नाटक और डांस का आयोजन किया। लोगों ने इसका जमकर मजा लिया। ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टेकमे 2018 प्रोग्राम के तहत नुक्कड़ नाटक किया। भोपाल की जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूकता को लेकर यह नाटक किया गया। स्वच्छता से प्रेरित नुक्कड़ नाटक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बाखूबी किया। नुक्कड़ नाटक के साथ साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गानों पर डांस भी किया। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू मार्केट भोपाल में, जहां ओरिएंटल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं जो कुछ प्रोग्राम करने जा रहे हैं। टेकमे प्रोग्राम का नाम है, जिसका पहला स्टेप आज स्टार्ट हो चुका है। आइए हम स्टूडेंट से ही बात करते हैं, क्या प्रोग्राम में बताइए मैम। जी, आज हम एक नुक्कड़ परफॉर्मेंस देने वाले हैं जो कि सफाई के लिए है। हम दिखा रहे हैं कि BMC के द्वारा जो भी सफाई के लिए उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं, उसके एक छोटी सी झलक हम दिखाएंगे। अच्छा, ये सफाई के अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि सफाई रहे देश में, वैसे भी भोपाल नंबर 2 में आया है। आइए और भी बात करते हैं कि क्या कहना है, क्या प्रोग्राम है और सफाई के बारे में क्या कहना है बताइए। हमारे कॉलेज में जैसा कि आप जानते हैं टेक फेस्ट टेक एक्मे 2K18 होने वाला है, तो इसका प्रचार प्रसार के लिए हम ये फ्लैश मॉब करने जा रहे हैं, जहाँ पे कई छात्र एक ग्रुप में यहाँ पे आपके सामने डांस परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ जो स्वच्छ भारत का जो हमारा मोटिव है, उसके लिए भी हम एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ पे मतलब विमोचन करेंगे। तो आपने देखा कि ओरिएंटल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं वो सफाई को लेकर एक नुक्कड़ नाटक और डांस करेंगे। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आयोजन के दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रों का कहना है कि आयोजन का ये पहला स्टेप है, आयोजन में अभी और भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। बता दें कि ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हर साल ऐसे प्रोग्राम करता है और स्टूडेंट्स आयोजन का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे आज टेक एक्मे का पहला स्टेप रखा गया है, जो न्यू मार्केट में स्वच्छ भारत अभियान की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, और 25, 26, 27 को ये टेक एक्मे चलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।